भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भाभी ने देखा, अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अभी यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी? अभी ध्यान रखना, दो चार आठ दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यही रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल दलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, लड़की की शान पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई एक दिन दो दिन पांच दिन, दो महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का, बाप के यहां रह रही है, पड़ोसी का पेट दुख रहा है, जो भी सहेली मिलती क्यों कहां घूम रही, जीजा जी नहीं आए क्या? अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी, मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, तीन महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई, हम आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है क्यों नहीं जा रही। अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, तीन महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले, सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई, जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहाँ है, अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, ये बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा, ध्यान रखिए। मानने बहुत दुखी हो गई वो, पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो छह महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है, इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं, ये तो ये चाहती कि जाते ही साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत, वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा बेटा छह महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाए तो तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी, अब अकल आ गई उसको ठिकाने, ज्यादा बहू गड़बड़ करे ना तो एक आध साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लौट के वापिस, ध्यान रखना। अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं,
बोले हाँ पिताजी जा सकती हूं मैं। बोले सब तेरी मुट्ठी में होगा। बोले सब होगा। बोले हाँ। तो बोले मैं जा सकती हूं पिताजी। पति बोले वो तेरे आगे पीछे घूमेगा। सास अरे तेरे पैर छुएगी। वो सास पैर छुएगी। बोले हाँ। अरे ऐसी ससुराल तो चाहिए थी मुझे। बोले मैं महाराज ने क्या कहा। बोले महाराज ने ये कहा कि मंत्र। बोले पिताजी देखो ये मंत्र मंत्र मुझसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। बोले एक काम कर, महाराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले मंत्र तुम जपो साधना मैं करूं। बोले हाँ तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे क्या साधना करना है। बोले साधना तुझे इतनी करना है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना, किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे 6 महीने जवाब मत देना, और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल तैयार है। बोले पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने ना। बोले हाँ उससे ज्यादा तो नहीं। बोले नहीं, उसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में। अरे बोले तुरंत मुट्ठी में। बोले नहीं हुई तो, नहीं हुई तो बेटा अपना घर है, वापिस से जाना। गया, तैयार हो गई, पिता ले गया ससुराल में। जैसे ही पहुंचा सबने देखा फिर आ गई ये आफत की जान है। कोई नहीं बोला इनसे, ना ननन ने बोला कि भाभी आ गई, ना देवर ने बोला भाभी आ गई, ना जेठ ने बोला बहू आ गई। पति ने कहा फिर आ गई कलबुही इस घर को बर्बाद करने। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन पिता ने कहा साधना ध्यान रख, कुछ भी मत बोल 6 महीने। गई, पिता ने छोड़ा, सास सास से बोला कि बहन जी ये रखिए इसको, ये बदल गई। बोली ये क्या बदलेगी, वापिस ले जाओ इसको, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहां मत भेजना। एक मौका तो हर किसी को दिया जाता, इसको देने का प्रयास करिए। सास ने कहा ठीक है। गई, सुबह उठी, 8 बजे उठती थी, 6 महीने मुझे 6 बजे उठना है। उठी, गई सासू के पैर पड़े। अरे सास ने कहा ये क्या है, ये पैर पड़ रही मेरे। बोले अम्मा जी आशीर्वाद दो कि आज का दिन सुख शांति से बीते, शुभ बीते। तुम आशीर्वाद दे दो तो सुख शांति, सास खुश हो गई तो फिर तो शांति शांति है। बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो मैं सबको खुशियां बांट सकूं। अम्मा ने कहा यार ये बोल क्या रही है। ठीक ठीक बेटा आशीर्वाद। जा रही थी, एक पैर की चोट लगी, कांच का गिलास फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है तुझे, आते ही 7 उपद्रव शुरू हो गए तेरे। जब तक नहीं थी बड़ी शांति थी, गिलास फोड़ के रख दिया। अब गुस्सा इतना आया, उसने कहा बुड्ढे यदि मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं, मजबूर हूं, क्या बोलूं। पिता का चेहरा याद आया, बेटा कुछ जवाब नहीं देना। चुप रह गई। बोली पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। बाप ने कहा यार ये गलती हो गई, इसके मुंह से तो गलती शब्द हमने सुना ही नहीं है। एक कहते थे तो 100 जवाब देती थी, 1000 जवाब, आज कह रही गलती हो गई। उसने कहा बुड्ढे रुक जाओ, 6 महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी कौन बोला झांसी की रानी नहीं है। ध्यान रखना, विचार करी, एक बात ध्यान रख, बस 6 महीने, इसका जवाब तुझे 6 महीने बाद दूंगी मैं, ध्यान रखना। गई सुबह से, नाश्ता बना रही, चाय बना रही, सास के कान में आवाज गई। उसने अपनी बेटी से कहा बेटी देख रसोई में इतने सुबह सुबह कौन गया है, कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है। ननन ने कहा बिल्ली नहीं है, ये अपनी वाली बिल्ली है। तो बोले कर क्या रही है। बोले नाश्ता बना रही है। अरे बाप रे, देवर के लिए थाली परोसे, जेठ के लिए सब व्यवस्था करे, पति का ध्यान रखती, ननन से प्यार करती, सहेली जैसी रहती। और बस अंदर क्या आग लगी थी, ये सब ड्रामा कब तक का है, 6 महीने का ड्रामा है, बस ध्यान रखना, सबको मेरी मुट्ठी पे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। देखा एक दिन बीते, 2 दिन, महीने भर हो गए, इतना व्यवहार चेंज। सास ने कहा बेटा तू वही वाली है या तेरे पिताजी ने बदल के भेज दी है,
तुम जुड़वा तो नहीं थी? बोले नहीं। अम्मा जी कैसी बात कर रही हो, ये घर मेरा है, ये स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है, मैं इस घर को बसाऊंगी। सास ने कहा बेटा तू इतनी चेंज हो जाएगी ना, बुढ़िया रुक जा, 5 महीने तो बचे फिर बताऊंगी मैं तुझे। इतनी सॉफ्ट, पैर दबाती, जय जिनेन्द्र करती, पिताजी को पिताजी पिताजी कहकर के बात करती, लोगों के दिलों पे राज करने लगी। 1 महीने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है, उन्होंने तो कहा था 6 महीने लगेंगे, यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में आ गई है, अब तो अपना राज हो गया है। एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधर आ इधर आ, देख तू इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में। बोले लक्ष्मी, मालूम नहीं लक्ष्मी कब रणचंडी दुर्गा बन जाएगी। बोले बेटा एक काम कर, ये जो चाबी है ना आज से तू संभाल। अरे उसने कहा हो गई आज मेरी जिंदगी, ला अम्मा जी लाओ लाओ। अरे ले बेटा ले, पति से कहा बेटे से कहा दुकान से लौटो, जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब सब हिसाब किताब यही रखेगी, अब घर यही चलाएगी, धोबी का पैसा भी यही देगी, दूध वाले का पैसा ये देगी, सब्जी वाले को पैसा ये देगी, जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहू रानी के हाथ में रख देना। अरे उसने कहा वाह बाबा जी आज तो बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में, हर चीज का नौकर चाकर का तनख्वाह तुम देना, पेमेंट तुम करना, कौन सी सब्जी बनना है बहू बताएगी। उसने कहा यार बड़ा मजा, अब ससुर जी क्या करें, दुकान से लौटे तो लौटते समय क्या करें, वो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आया करते थे, कभी पेड़ा लेकर आ जाए, कभी लड्डू लेकर आ जाए, कभी आइसक्रीम लेकर आ जाए। अरे उस बहू ने कहा यार कितने मजे हो गए यहाँ पर, ध्यान रखिए, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ससुर से मेरा निवेदन है, सास से मेरा निवेदन है, जब भी बारामती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ सामान। ये तालियां बहुओं ने बजाई क्या सासुओं ने? बड़ी होशियार है बहुओं ने बजाई, मजा आ गया, आज हो गई सासुओं की धुलाई। लेकिन ये सासुएं इतनी बेईमान है, बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहू के लिए नहीं लाएंगी, ध्यान रख। ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखना, यदि हर बार ससुर जी घर लौटे, रोज घर लौटो, कुछ ना कुछ बहू को लेकर आओ, तुम बाहर जाओ सासुओं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ, अरे एक नया मंगल सूत्र ही लेकर आ जाया करो, और कुछ ना मिले तो कौन बोला अच्छी सुंदर सी चप्पल ले आया करो, नहीं चप्पल मत लाना बहू का मूड बिगड़ जाए तो, एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहू को मोबाइल। ध्यान रख इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहू के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है, आपके प्रेम के संबंध बन जाएंगे, आपकी आत्मीयता के संबंध बने जाएंगे। आप चाहते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे, वैसे तो बुड्ढों का कोई इंतजार नहीं करता है, चाहते हो कि कोई इंतजार करे? इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई, यदि रोज मीठा लेके आओगे तो बहू कहेगी पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए, अभी तक नहीं आए, वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है, गुलाब जामुन का कर रही है। किसी भी बहाने घर में इज्जत तो बनाओ मेरे भाई, ध्यान रखिए, तीर्थों पे जाओ तो बहू को लेकर कुछ ना कुछ आइए। आप बताइए, आप सोचिए विचार करिए, आपके संबंध अच्छे, ससुर जी लौटे बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। धीरे धीरे 1 महीने में परिवार तो बदल गया, दूसरे महीने में बहू के विचार भी बदल गए, सबके साथ ऐसे रहने लगी, ऐसे रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने आया, भाई ने कहा बेटी दीदी राखी का त्योहार है, घर चलना है। तो मालूम है बहू क्या बोली, मेरी मम्मी से पूछ लो, जब पहली बार नजारा क्या था, भाड़ में जाए वो डायन, आज क्या कह रही है, मेरे पिताजी से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई ने कहा ये तू ड्रामा कर रही है, हकीकत का मामला है। बोले चुप बैठ, पूछ के आ जा। गया अम्मा जी दीदी को ले जाऊं। अरे बेटा कहां ले जा रहा है,
बोले रक्षाबंधन है, बोले बेटा त्योहार है तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है। वो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा, वो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है। देवर बोला भाभी जल्दी लौट कर आना। ननंद की आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर वापस लौट के आना। देखो भैया राखी बंधे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा। भाई ने देखा ये बात, गई घर पीहर। जैसे ही पहुंची पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग पिताजी। अरे बोले वो नरक थी ना? अरे नरक नरक नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर। यार पिताजी तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो, देखो इतने अच्छे हैं, कभी तुम्हारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो, मेरा जीवन बदल गया पिताजी। अरे बोले वो डायन सास। अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर। अरे बोले वो आवारा देवर। बोले आवारा मत बोलो पिताजी, अब मुझे बुरा लग जाएगा। ए बुरा लग जाएगा? बोले हाँ लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी 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 करते रहता है। अरे बोले वो चुगली करने वाली ननंद। चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इज्जत, आज मुझे पता चला ससुराल में जाके कि घर में एक छोटी बहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है, बिल्कुल बहन सहेलियों जैसी रहती है। और बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ। अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिताजी। और बोले वो राक्षस वो तेरा यमराज पति। बोले देखो पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अरे बोले वो LLB पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिताजी दुनिया में ढूंढने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बाप ने बेटी को छाती से लगा लिया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का माथा ऊंचा कर दिया है, आज तूने अपने पिता को गौरव दिला दिया है, आज मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। बेटियों से निवेदन है यदि आप खुश रहोगी ना तो पीहर में माँ बाप भी खुश रहेंगे, ध्यान रखिए उनके जीवन में भी वो आनंद बरसेगा। क्या चाहते हैं एक माँ बाप? कि हमारी बेटी को सुखी रहे, इसका ध्यान रखिए। ससुराल में यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा तो माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे, सास ससुर रोएं या ना रोएं माँ बाप सुबह सुबह कर आंसू बहाएंगे, ध्यान रखिए। एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने। लड़की ने पूछा कि पिताजी एक बात बताओ वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साधना कर रही थी? बोले बेटा हकीकत में बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो फिर इतना असर कैसे हो गया? बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया है। तूने जवाब नहीं दिया, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर स्वर्ग बन गया है। बोले अच्छा पिताजी? बोले बेटा व्यवहार बदलने से वही घर स्वर्ग हो जाता है जो कभी नरक में परिवर्तित हुआ करता है, ध्यान रखिए। व्यवहार बदलना है, अकेली बहू व्यवहार ना बदले, सासुओं को भी अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहू आपको इज्जत देती है सम्मान देती है तो सास को भी मां जैसा प्यार देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन से बहू बदल जाए और सास ललिता पवार बन करके खड़ी हो जाए, ध्यान रखिए। नहीं फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा। यदि बहू सीता जैसी है तो तुम ललिता पवार मत बनो, मेरी अम्मा ओ जगत जननी जगदम्बा ओ निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाने का